आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी कवल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने प्यारों के साथ घर पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग जो है अबाउट माय फ्रेंड, शी इज लाइक माय सिस्टर। सो हियर यू गो। सो है यू कैन सी शी इज़ माई फ्रेंड शीला, एंड ये जो है मेरी बहनों से भी बढ़ के हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमारी फैमिली फ्रेंड है। और आज इन्होंने हमसे मिलने का रखा कि बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं हैं। सडनली इन्होंने मुझे कॉल की और सेड के वी कैन मीट इन द पार्क एंड वी हैव अ लिटिल फीका टुगेदर। सो फीका यहाँ कहते हैं कि अगर आप मिलके चाय पी लें या जैसे केक खा लें तो उसको यहाँ स्वीडिश में फीका कहते हैं। सो शीला मेड ब्राउनीज केक फॉर अस एंड इट वॉज अ वेरी यमी एंड बच्चों को बहुत पसंद आया। एंड शी बॉर्न एंड बॉट इट हेयर एंड बट जब आप उनसे मिलोगे आपको लगेगा नहीं कि शी बॉर्न एंड बॉट इट हेयर। शी टोटली वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस पर्सन एंड बहुत सिंपल। So I can say I am very lucky, I have a friend like Ashila, because ये मेरी लगता नहीं है कि friend है, बिल्कुल बहनों की तरह लगती है और बहुत ही प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली है। एंड बहुत ही मीन्स मुझे इनके साथ मिलके बैठ के बात करके मैं हर तरह की बातें इनके साथ शेयर करती हूँ। ये ब्राउनी केक बना के आई थी और ये ग्रादा मीन्स ये विप क्रीम बना के आई थी, ये इसके साथ मिला के हम खाएं तो बहुत ही यम्मी लग रहा था, बहुत टेस्टी था। शीला हैव टू ब्यूटीफुल डॉटर्स, उनका नाम लिलियन एंड लोरा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं। सो ये हम बैठ के यहाँ पे फीका इंजॉय कर रहे थे और बहुत सारी बातें हमने की एंड लिटिल बिट मेरी काउंसलिंग भी की शीला ने, बिकॉज घर में बैठ बैठ के मैं भी थोड़ी फेडअप हो जाती हूँ, तो शी हेल्प मी वेरी मच। एंड बहुत इंजॉय किया बच्चों ने भी आपस में मिल के एंड हमने दोनों ने भी फ्रेंड्स ने एंजॉय किया। सो ये केक था और इस तरह ये हमने खाया। सो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। शीला के साथ मिलके ऐसा लगता है जैसे मेरी बिछड़ी हुई बहन मुझे मिल गई हो, उससे मैं हर तरह की बात कर सकती हूँ। कभी भी कोई मीन्स में बहुत कंफर्ट फील करती हूँ उसके साथ। ये परीसा लमाइसा यहाँ ब्राउनीज इंजॉय कर रही हैं जो उनकी आंटी बना के आई थी। बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन एक दोस्त होता है जो आपका बहुत स्पेशल होता है, जिससे आप हर बात शेयर कर सकते हैं। और यानी शीला उनमें से एक है एंड शी इज़ वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग पर्सन। ये जो यानी चीज़ें होती हैं बहुत लोगों में कम होती हैं, यानी किसी की केयर करना और किसी के पूछना, किसी को प्यार करना, क्योंकि आजकल के दौर में मतलब चीज़ सेल्फिशनेस बहुत आ गई है। सो ऐसे लोग आपको मिल जाएं तो आप ख़ुद को बहुत लकी फील करते हैं। सो उन लकी लोगों में से मैं एक हूँ, आई थिंक सो, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी फ्रेंड आपको कैसे लगी और ये जो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बनाई है कैसी लगी, क्योंकि वो अपना फेस नहीं शो ऑफ करना चाह रही थी इसलिए मैंने उनका फेस जो है हाइड किया है। सो मैंने लेकिन उनकी जो बातें हैं ये वो जैसी जो हैं मैंने आप लोगों को बताया है। सो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग किसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है ऐसी लाइक शीला। इंशाल्लाह मैं एक और वीलॉग बनाऊंगी शीला के साथ, उसमें मैं अपना सारा बताऊंगी कि मैं उसके साथ कैसे मिली और कैसे हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई। यहाँ से जब मैं पार्क से मिलके वापस आई तो अलियाना अपने जंपीरो को एंजॉय कर रही थी। शी इज़ माशाल्लाह 5 मंथ्स नाउ एंड शी कैन एंजॉय हर सेल्फ ऑन जंपीरो। घर आके फिर जी वही अपना डिनर की तैयारी करनी थी। सो यहाँ मैं बना रही थी मटन कोरमा। सो ये मैंने काजू जो हैं हल्के से जैसे सेक लेते हैं मैंने सेक लिए हैं और फिर बाद में जो है मैंने इसमें योगर्ट डाल के यही माइल्ड योगर्ट है और उसको ब्लेंड कर देना है। सो काजू और दही को मिला के मैंने ऐसे ब्लेंड कर दिया है, बिल्कुल काजू को बिल्कुल इसमें जो है मैश कर देना है।
ये टू मीडियम साइज़ के अनियंस हैं और ये मैंने ब्राउन कर लिए हैं। ये भी योगर्ट में ऐड कर लिए हैं और ब्लेंड करके एक मिक्सचर सा बना देना है। दूसरी साइड मैंने इंस्टेंट पॉट में जो है मटन को ऑयल में डाल के, लहसुन अदरक डाल के उसको मैंने सोटे कर दिया था। उसके बाद ये मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर लिया है और अच्छे से सोते कर देना है। वन टेबल स्पून जो है मैंने होल स्पाइसेस डाल दिए हैं एंड वन टीस्पून जो है मैंने शान कोरमा पैकेट का डाल दिया है और थोड़ा सा वन कप जो है मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है। और आधी प्याज मैंने रखी थी क्योंकि वो मुझे एंड में बिल्कुल जब मुझे कोरमे को भूनना था उस वक्त इसको हाथ से पीस के डालना था। सो ये मैंने थोड़ी सी प्याज बचाई थी वो मैं हाथ से पीस। ये मैंने प्याज इसमें ऐड कर ली जो मैंने हाथ से पीसी और फिर मैंने इसको थोड़ा 5-10 मिनट्स के लिए भूनना है, फिर मैं इसको प्रेशर पर लगा दूंगी कोरमे को। सो हमने ये लिड लगा दी और विसल भी सेट कर दी, फिर अभी प्रेशर पे रखना है। सो मैं इसको 27 मिनट्स पे लगाऊंगी प्रेशर को, हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा 27 मिनट्स में। सो जी ये हमने इसकी एयर निकाल दी और ये लिड ओपन हो गई। सो हमारा कोरमा ऐसा लग रहा है, देखें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कोरमे की एंड बहुत यम्मी बना था। बच्चों ने भी शौक से खाया, बच्चों के पापा ने भी शौक से खाया। हमने नान बाहर से ही मंगवा लिए थे, यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट है तो उसके साथ तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा था कोरमा। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोरमे की रेसिपी कैसी लगी। और ये परिसा के लेगोस हैं, बहुत ही इंजॉय करती है और ये इनके पापा इनके लिए लीसा एंड आना के वो गुडीज़ के रिफिल लाए हैं, बहुत इंजॉय किया इन्होंने। सो अब वेट है आपके कमेंट्स का के रिव्यू का, आप लोगों को मेरा आज का वीलॉग कैसा लगा, मेरी फ्रेंड आपको कैसे लगी और कोरमे की रेसिपी कैसे लगी। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीलॉग, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो थम्स अप दे दें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।